हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्विक एंड ईजी रेसिपी ऑफ डोनट्स, जो कि हम बहुत ही झटपट तरीके से बना लेंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है डोनट्स बनाना। सो आइए चलते हैं। तो ओके, सो डो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 3 कप्स ऑफ फ्लोर यानी कि मैदा, और उसमें हम ऐड कर देंगे कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी 1/4 कप, उसमें हम डालेंगे ईका पाउडर, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ना ऐड करें, स्किप कर दें, और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे ईस्ट 1 टेबल स्पून, और तो एग योक्स 2 एग योक्स हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हम इस ऐड करेंगे 20 ग्राम्स ऑफ बटर, अनसॉल्टेड ले सकते हैं, सॉल्टेड ले सकते हैं, कोई बटर ले सकते हैं आप। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर, ठीक है, ग्रेजुअली ऐड करेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब क्विक एंड ईजली ट्रांसलेशन फॉर डो, ठीक है, डो रेडी हो गई है। अब हम इसके जो होगा, हम इसको जो होगी स्लैब, जो भी मार्बल होता है उसके ऊपर हम इसको सीधा कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके पोर्शंस करेंगे डोनट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसको हम डो को होएगा इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, पोर्शन हम लोग इसका बनाते जाएंगे इस तरह। कोशिश कीजिएगा जो हम पोर्शंस बना रहे हैं अपने डोनट्स के लिए वो इक्वल साइज़ के हों, नहीं तो आप मेजरिंग स्केल से इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। 60-65 ग्राम में अगर एक जो है डोनट्स का जो आ रहा है पोर्शन, अगर वो उतना है तो आप, मुझे अंदाज़ा है, मैं हैंड से कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेजरिंग स्केल से कर सकते हैं, लेकिन आप इक्वल क्वान्टिटी ऑफ जो है डो की आपने इक्वल क्वांटिटी रखनी है, हर एक पोर्शन की क्वांटिटी आपने इक्वल रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह हम एक एक करके हम ये पोर्शंस बना लेंगे, ठीक है। गाइस, सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो पोर्शंस हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डोनट कटर की हेल्प से, ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद डोनट कटर की हेल्प से हम इसको होगा कट कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितना इजी तरीके से ये कट हो गया। अगर आपके पास डोनट कटर अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी राउंड चीज़ से, डोनट साइज़ की कोई भी राउंड चीज़ से आप इसको कट कर सकते हैं, और जो सेंटर वाला है वो भी कोई राउंड छोटी सी चीज़ आप लेके उसके थ्रू भी आप कट कर सकते हैं, ज़रूरत आपके पास डोनट कटर ही हो, ठीक है। आप कोई भी राउंड चीज़ लेके आप उससे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम एक एक करके अपने डोनट्स के जो है वो कट कर लेंगे। अब हमारे जो सारे डोनट्स हैं वो कट हो चुके हैं, अब हम इसको राइज होने के लिए रख देंगे। अभी राइज होने के बाद इसको हमने फ्राई कर लिया है, लाइट फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद चॉकलेट में डिप करेंगे। चॉकलेट में इसको डिप करेंगे एक एक करके, ठीक है, और जो एक्सेस चॉकलेट होगी उसको हम ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। ये देखें एक्सेस चॉकलेट को हम देखें हम ड्रेन आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एक एक करके आपने जो डोनट होगा, एक एक डोनट को पकड़ के आपने चॉकलेट के अंदर डिप करना है और इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। अब हमारे जो डोनट्स हैं वो हमने सारे डोनट्स के ऊपर चॉकलेट ऐड कर दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू कि आप अपने डोनट्स को कौन सा फ्लेवर देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्प्रिंकल्स के थ्रू इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए, अब हम इस पर स्प्रिंकल्स ऐड करते जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो से मर्ज़ी स्प्रिंकल्स ऐड करें, ठीक है। इसके ऊपर हम डिफरेंट, मैं तो डिफरेंट स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी, डिफरेंट तरीके से इसको डेकोरेट करूँगी। आप इसको चॉकलेट के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इस पर स्प्रिंकल्स ऐड करना चाहें तो आप इस पर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैं इसको ऐड करके डेकोरेट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह मैं अपने सारे डोनट्स को होगा डेकोरेट कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता।
इनके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ। कुछ में इनके ऊपर जो शुगर बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, हमें गोल्डन और सिल्वर कलर में मिलते हैं, और कुछ वाइट पर्ल्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी गोल्डन और सिल्वर जो होंगे वो यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे जो हैं डोनर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की और आपकी क्वेरी जो होगी वो दूर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब।